यहां पर ये बोड़ों की चर्चा आई थी और ये कहां गया, ये कोई पहली बार हुआ है? हमने भी कभी ये नहीं कहा कि पहली बार हुआ है, हम तो यही कह रहे हैं प्रयोग तो बहुत हुए हैं और अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ राजनीतिक तराजू से लेखा जोखा करके किया गया, जो भी किया गया आधे अधूरे मन से किया गया, जो भी किया गया एक प्रकार से खानापूर्ति की गई और उसके कारण समझौते कागज पे तो हो गए, फोटो भी छप गई, वाहवाही भी हो गई, बड़े गौरव के साथ आज भी उसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कागज पे किए गए समझौतों से इतने सालों के बाद भी बोडो समस्या का समाधान नहीं हुआ। 4000 से ज्यादा निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए, अनेक प्रकार की एक्सटॉर्शन, 50 प्रकार की बीमारियां समाज जीवन को जो संकट में डाले ऐसी होती चली गई। इस बार जो समझौता हुआ है वो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश में आर्म्स और हिंसा में विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश देने वाली घटनाएं हैं। ये ठीक है कि हमारी जरा वो इकोसिस्टम नहीं है ताकि हमारी बात बार बार उजागर हो, फैले, लेकिन हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के समझौते की एक विशेषता है, सभी हथियारी ग्रुप एक साथ आए हैं, सारे हथियार और सारे अंडरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं, और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुड़ी हुई कोई भी मांग बाकी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे सूरत तो पहले उगता है लेकिन सुबह नहीं आती थी, सूरत तो आ जाता था, अंधेरा नहीं छटता था। आज मैं कह सकता हूं नई सुबह भी आई है, नया सवेरा भी आया है, नया उजाला भी आया है, और वो प्रकाश जब आप अपने चश्मे बदलोगे तब दिखाई देगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं ताकि बोलने के लिए बीच में मुझे आप विराम दे रहे हैं। कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई, आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, इन निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है
ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया, जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है, जैसा वैसा ही सुनाता है। आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है। अपने लोगों को कहिए कि अभी जिसे आप ना करें, यही मैं कहता कि वो अभी नहीं करेंगे। स्वामी जी को अपमान ना करें, नरेंद्र मोदी के माननीय जो माननीय ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा इतना जल्दी में? माननीय अध्यक्ष जी, यहां किसानों के विषय में भी बातचीत हुई है। बहुत से महत्वपूर्ण काम और बहुत से नए तरीके से, नई सोच के साथ पिछले दिनों किया गया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से यहां चर्चा करने का प्रयास हुआ है, मैं नहीं जानता वो अज्ञानवश है कि जानबूझ करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर जानकारियां होती तो शायद हम ऐसा न करते। हम जानते हैं कि 1.5 गुना एमएसपी करने वाला विषय है कितने लंबे समय से अटका हुआ था, हमारे समय का नहीं था, पहले से था। लेकिन ये किसानों के प्रति हमारी जिम्मेवारी थी कि उस काम को भी हमने पूरा कर दिया। बहरान सिंचाई योजनाएं 80-90% धन खर्चे करके 20-20 साल से पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, फोटो निकलवा दी बस काम हो गया। हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उनको उसके लॉजिकल एंड तक ले गए और अब किसानों को उसका फायदा होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस व्यवस्था से किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ है। किसानों की तरफ से करीब 13,000 करोड़ रुपए प्रीमियम आया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ उसके तहत करीब 56,000 करोड़ रुपए किसानों को बीमा योजना से प्राप्त। किसान की आय बढ़े ये हमारी प्राथमिकता है, इनपुट कॉस्ट कम हो ये हमारी प्राथमिकता है। और पहले एमएसपी के नाम पे क्या होता था हमारे देश में, पहले 7,00,000 टन दाल और तिलहन की खरीद हुई,
हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन, 7 और 100 का फर्क तो समझ आएगा, इनाम योजना। आज डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। इनाम योजना के नाते किसान अपना बाजार में माल बेच सके, उस योजना को लिया हमने। और मुझे खुशी है कि गांव का किसान इस व्यवस्था से, करीब 2.25 करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावार का इस इनाम योजना से किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज, चाहे पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का प्रयास हो, सोलार पंप की बात हो, ऐसे नए अनेक चीजें जोड़ी हैं जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2014 में, हमारे आने से पहले, कृषि मंत्रालय का बजट 27,000 करोड़ रुपये था, अब ये बढ़कर के 5 गुना, 27,000 करोड़ था, बढ़कर के 5 गुना और लगभग 1.5 लाख करोड़ हमने पहुंचाया। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं, अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फाइलों की झंझट नहीं, एक क्लिक दबाया पैसे पहुंच गए। लेकिन मैं जरूर यहां माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राजनीति करते रहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, लेकिन क्या हम राजनीति करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे? मैं उन माननीय सदस्यों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने राज्य में देखें, जो किसानों के नाम पर बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं वो जरा ज्यादा देखें कि क्या उनके राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिले, उसके लिए वो सरकारें किसानों की सूची क्यों नहीं दे रहे हैं, इस योजना के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? नुकसान किसका हुआ, किसका नुकसान हुआ? उस राज्य के किसानों का हुआ। मैं चाहूंगा यहां कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो दबी जबान में, तो खुलकर के शायद न बोल पाए क्योंकि कहीं जगह पे बहुत कुछ होता है, लेकिन उनको पता होगा। उसी प्रकार से मैं माननीय सदस्यों के कहूंगा जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, उन राज्यों में जरा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे कर करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर करके वोट बटोर लिए, शपथ ले लिए, सत्ता सिंहासन पा लिया, लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किए गए। कम से कम यहां बैठे हुए माननीय सदस्य उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहें कि किसानों को उनका हक देने में कोताही न बरते।